समीर वानखेड़े की साजिश, आर्यन खान निशाना। जी हाँ, आर्यन खान केस में समीर वानखेड़े को लेकर जो खुलासे हुए वो बेहद हैरान करने वाले हैं। इसके साथ ही सामने आया कि कैसे क्रूज पर रेड की पूरी साजिश रची गई और 25 करोड़ रुपए वसूलने की प्लानिंग की गई। दरअसल आर्यन खान केस के बाद एनसीबी ने समीर वानखेड़े समेत कुछ अफसरों पर विजिलेंस की जांच बैठाई। एनसीबी की इसी विजिलेंस रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने समीर वानखेड़े समेत एनसीबी के कुछ अफसरों पर एफआईआर दर्ज की। विजिलेंस जांच से जुड़े सूत्रों ने अब समीर वानखेड़े और आर्यन खान की गिरफ्तारी की इनसाइड डिटेल्स बताई हैं। सामने आई डिटेल्स के मुताबिक एनसीबी की विजिलेंस टीम के अहम किरदार संविल डिसूजा ने वानखेड़े को लेकर तमाम बड़े खुलासे किए। डिसूजा वैसे तो एक ड्रग्स सप्लायर था, लेकिन डिसूजा को समीर वानखेड़े एंड कंपनी ने अपना मुखबिर बना लिया था। इसके बाद वो वानखेड़े की टीम के लिए शिकार की तलाश करने लगा। इतना ही नहीं, आरोप है कि फर्जी ड्रग्स प्लांट में एनसीबी की ये टीम डिसूजा का इस्तेमाल करती थी। फिर एक दिन क्रूज पर होने वाली ड्रग्स पार्टी की जानकारी मिली। वानखेड़े को बताया गया कि इसमें कुछ बड़े व्यापारी और बड़े नाम वाले लोग शामिल होंगे जिन्हें टारगेट किया जा सकता है। वानखेड़े ने डिसूजा के दो प्राइवेट पर्सन भानुशाली और किरण गोसावी को टास्क दिया कि वो क्रूज पर बड़ा कैच पकड़े। 2 अक्टूबर 2021 की रात आर्यन क्रूज पर आया और उसे पकड़ लिया गया। उसका फोन एनसीबी ने अपने कब्जे में ले लिया ताकि वो अपने घर फोन न कर पाए। सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान के साथ उसके 4 अन्य दोस्त भी क्रूज पर सवार थे, पर केवल अरबाज के पास से चरस बरामद हुई, उसे पकड़ा गया। ड्रग्स चैट्स तो आर्यन के बाकी 3 दोस्तों के पास से भी बरामद हुई, पर उन्हें छोड़कर केवल सेलेक्टिव टारगेट आर्यन खान को किया गया। आर्यन के फोन से भेजा गया था मैसेज। अरबाज ने अपने पहले बयान में साफ कहा था कि आर्यन के पास ड्रग्स नहीं थी, ना ही उसने ड्रग्स ली थी और उसने हमें भी मना किया था। बाद में समीर वानखेड़े के नेतृत्व में आर्यन खान के परिवार से वसूली की शुरुआत की गई। यह सब हुआ 2 से 3 अक्टूबर की रात में। आर्यन खान को बताया गया कि गोसावी एनसीबी का अधिकारी है। किरण ने ही बनाया था आर्यन का ऑडियो। एनसीबी दफ्तर में उसने आर्यन खान का ऑडियो बनाया था। पापा, मैं एनसीबी कस्टडी में हूँ, प्लीज हेल्प मी। समीर वानखेड़े एंड कंपनी ने प्लान किया कि आर्यन गोसावी की सेल्फी और ऑडियो कैसे पूजा ददलानी यानी शाहरुख खान के मैनेजर तक पहुंचाई जाए ताकि डील शुरू की जाए। आर्यन की आवाज और गोसावी के आर्यन खान के साथ सेल्फी अब शाहरुख खान तक पहुंचानी थी। इसके बाद वानखेड़े एंड कंपनी ने पूजा ददलानी के नंबर का जुगाड़ किया और आर्यन की सेल्फी और उसका ऑडियो भेज दिया। साथ ही कहा गया कि आर्यन खान ने क्रूज पर ड्रग्स का इस्तेमाल किया, उसके फोन से ड्रग्स चैट्स मिले हैं। हम आर्यन खान को कुछ ही देर में मेडिकल करवाने ले जाने वाले हैं। 25 करोड़ की मांग, 18 करोड़ में डील। आर्यन खान एनसीबी के कब्जे में है। ये बात जैसे ही पूजा ददलानी को पता चली वो गोसावी से मिलने को तैयार हो जाती है। सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ मांगे गए, लेकिन बाद में मामला 18 करोड़ पर तय हुआ। 2 से 3 अक्टूबर की रात ही पूजा ददलानी और किरण गोसावी की मीटिंग हुई और पूजा ने गोसावी को 50 लाख कैश दिया। अगली सुबह किरण गोसावी की सेल्फी आर्यन खान के साथ वायरल हुई और खुलासा हुआ कि किरण एनसीबी का अधिकारी नहीं है। ये जानकारी पूजा ददलानी तक भी पहुंची और ऐसे में करोड़ों की डील खटाई में पड़ गई। इसके बाद गोसावी एक बार फिर पूजा ददलानी से मिला और 50 लाख में से 38 लाख वापस कर दिए और 12 लाख ये कहते वापस नहीं किए कि वो पैसा समीर वानखेड़े के पास पहुंच गया है, अब वापस नहीं हो सकता। उधर आर्यन को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। विजिलेंस सूत्रों के मुताबिक जांच में लापरवाही बरती गई और आर्यन की गिरफ्तारी के वक्त भी एनसीबी ने आर्यन खान का फोन सीज नहीं किया। इससे शक पैदा हुआ कि गिरफ्तारी कहीं वसूली के लिए तो नहीं की गई थी। इतना ही नहीं, आर्यन खान का मेडिकल भी नहीं करवाया गया क्योंकि समीर वानखेड़े एंड कंपनी को पता था कि आर्यन खान के परिवार से अगर 25 करोड़ मिल गए तो आर्यन को छोड़ देंगे। विजिलेंस जांच शुरू होते ही सीसीटीवी से छेड़छाड़। गोसावी फेस टाइम चैट्स के जरिए पूजा ददलानी से बात कर रहा था। उधर एक अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए गोसावी डील से जुड़े अपडेट समीर वानखेड़े को भी दे रहा था। एनसीबी की विजिलेंस जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक जिस वक्त आर्यन खान के साथ किरण गोसावी एनसीबी दफ्तर में नजर आ रहा था उस वक्त एनसीबी दफ्तर के तमाम सीसीटीवी काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही इस मामले में विजिलेंस जांच शुरू हुई और विजिलेंस टीम एनसीबी मुंबई दफ्तर पहुंची तो वहां के तमाम सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ कर दी गई। साथ ही डीवीआर अलग कर दिया गया। विजिलेंस टीम ने जुटाए अहम सबूत। विजिलेंस जांच के दौरान जब एनसीबी के अधिकारियों ने अपना फोन जांच के लिए दिया तो उसे कई बार फॉर्मेट किया गया। सूत्रों के मुताबिक ऐसा इसलिए किया गया ताकि सबूत विजिलेंस टीम के हाथ ना लगे, लेकिन फॉरेंसिक तरीके से सारे सबूत मिले। साथ ही विजिलेंस टीम ने अपनी जांच में इस मामले और डील से जुड़े करीब 2 दर्जन से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज हासिल किए हैं। इसके अलावा जो चैट्स आरोपियों ने डिलीट कर दी उसे भी हासिल किया गया। कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी बरामद किए गए। एनसीबी की विजिलेंस टीम ने जांच के बाद पूरी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी। इसी विजिलेंस रिपोर्ट को आधार बनाते हुए सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की और वानखेड़े समेत सभी आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।